और आर्मेनिया अजरबैजान महाजंग से जहां पूरी दुनिया सहमी हुई है, वहीं तुर्की के सैन्य अभ्यास ने पूरे विश्व में खलबली मचा दी। दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखाने में तुर्की भी पीछे नहीं है। जंगी जुनून में तुर्की ताबड़तोड़ सैन्य अभ्यास कर रही है। एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियारों से तुर्किश आर्मी मिलिट्री प्रैक्टिस कर रही है। वॉर एक्सरसाइज तो वीरान रेगिस्तानी इलाके में हो रहा है, लेकिन टैंक और आर्टिलरी फायरिंग से पूरा इलाका गूंज गया है और धमाके से धुआं धुआं हो गया है। तुर्की के जवान भी हथियारों से टारगेट पर सटीक निशाना लगा रहे हैं, दनादन लोकेशन पर गोलियां बरसा रहे हैं। तुर्की के सैन्य ड्रिल ने फ्रांस, ग्रीस और सऊदी अरब में टेंशन बढ़ा दी है। इन सभी देशों के साथ तुर्की के रिश्ते बेहतर नहीं है। इधर आर्मेनिया अजरबैजान के बीच एक तरफ रूस शांति समझौता कराने में जुटा है और वहीं दूसरी तरफ रशियन आर्मी मिलिट्री प्रैक्टिस करके अपने आप को हर मोर्चे के लिए तैयार करने में भी जुटी है। विश्व युद्ध की आशंका के बीच पुतिन की आर्मी ने भी कमर कस ली है। रूस की स्पेशल फोर्सेज ने तंबोव में युद्ध से निपटने का अभ्यास किया। जंगल में धधकते शोलों और आग की लपटों के बीच रूसी जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, अत्याधुनिक हथियारों से टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। बख्तरबंद गाड़ियों को भी अभ्यास में लगाया गया, इसके जरिए भी गोलीबारी की गई और लोकेशन पर बिना चूके हिट किया गया। युद्ध की तरह सभी रूसी जवान एक एक कर जंगी हेलीकॉप्टर में सवार हुए, फिर आसमान से पैराशूट के सहारे जमीन पर लैंडिंग की, उसके बाद मोर्चा संभाला। पूरी मिलिट्री ड्रिल इस तरह की गई जैसा सही में छिड़ी हुई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।